हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के PYQ 2022 के बारे में बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हम लोग डिस्कस करना था, बहुत दिनों से मोस्ट अवेटेड चैप्टर था, इसके बारे में डिस्कशन करना है। इससे पहले हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर का डिस्कशन कर चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना भी शुरू कर दिया और 12th की ऑर्गेनिक भी चल रही है। अक्टूबर से 2023 के PYQs भी शुरू हो रहे हैं। तब तक हर दिन जिस दिन भी वीडियो नहीं आते, यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, उस दिन PYQs के वीडियो आते रहेंगे, जिससे जल्दी से ख़त्म हो जाए। पूरी ऑर्गेनिक ऑलरेडी डिस्कस्ड है, फिजिकल ऑलमोस्ट खत्म होने वाले, थर्मोडायनेमिक्स, रेडॉक्स और इक्विलिब्रियम बचा है 11th में, और सॉलिड स्टेट और बचा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में। तो इतना मैं फटाफट डिस्कस करके, फटाफट 5-6 वीडियो हैं इस हफ्ते रिलीज करके, सारे ये ख़त्म कर दूंगा, फिर हम लोग सीधे 12th पे चलेंगे, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, लगभग 20-22 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो लेंथ होगी काफ़ी। तो जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स पहले से कहीं से कर रखी है वो सीधे PYQs लगा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं कर रखी है यार, वो पहले पढ़ लें, अच्छे से तैयारी कर लें, फिर उसके बाद PYQs अटेम्प्ट करें, फिर वीडियो देखें। और हमें जो सॉल्यूशन, मतलब इसके क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस कहाँ पे मिलते हैं, वो हमें अपनी वेबसाइट पे dexterkam.in पे मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके PYQ सेक्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे आसानी से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टेट अवे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर द एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ बेंजीन लिक्विड एंड एसिटाइलीन गैस आर -3268 किलो जूल पर मोल एंड -1300 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन हमें निकालनी है, ठीक है। तो हमें जिस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज निकालना है, अगर हम उस इक्वेशन को एक बार देख लें कि क्या है, कि C2H2 गैस गिव्स C6H6 लिक्विड, इसके लिए हमें एंथैल्पी चेंज निकालना है। और हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ बेंजीन दे रखी है, तो C6H6 लिक्विड प्लस O2 गिव्स 6CO2 प्लस 3H2O, ठीक। तो ये लिक्विड बन गया, ये गैस हो गया, और इसमें हमें 15/2 O2 लगेंगे क्योंकि रिएक्शन बैलेंस कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगी। तो डेल्टा एच इसकी जो वैल्यू हमें दे रखी है वो दे रखी है -3268 किलो जूल पर मोल। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या दे रखी है हमें, एस्टाइलिन की भी दे रखी है, तो CH CH+O2 कंबशन की रिएक्शन है, हम लोगों ने एडियोमेट्री में भी सीखी है, तो रिएक्शन तो हम लिख ही लेंगे। ये क्या बन जाएगी, 2CO2+H2O, तो इसमें 5/2 आ जाएगा, ठीक। अब हमें इन दोनों रिएक्शन से ऊपर वाली रिएक्शन बनानी है, तो ऊपर वाली रिएक्शन में देखो हमें 3C2H2 चाहिए, तो इस वाली इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और -1 कर दें तो काम चल जाएगा। तो इसका अगर हम डेल्टा एच लिख लेते हैं, इसके लिए डेल्टा एच हम रिएक्शन लिख लेते हैं, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन विल बी कैसे निकलेगा, कि 3 × 2 - 1, ठीक, 3 × 2 - 1, पहली रिएक्शन को माइनस कर लेंगे, ठीक। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, इसका डेल्टा एच कितना दिया था यार, इसका भी डेल्टा एच हमें गिवन था ना, डेल्टा एच इसका कितना था, -1300 किलो जूल था, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3900 -3268। अब बस इसे माइनस करना है, तो इसे तो यार माइनस कर ही देंगे, माइनस ऑफ माइनस करेंगे, है ना, ठीक। माइनस ऑफ माइनस क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस को करना था और उसका डेल्टा एच का साइन भी निगेटिव था। सिंपल है, बिल्कुल हैसलो लगा के रिएक्शन को करा सकता है, बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा। तो इससे जब आंसर निकालोगे तो आ जाएगा -632 किलो जूल पर मोल, यही हमें आंसर निकालना था, यही हमें आंसर निकालना था, तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल था, 54 का तो कर दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी सरल है, निहायत ही सरल क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो पहले इक्वेशन को अगर हम देखें तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम एच की वैल्यू लिख दें सीधे, जब मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया है उसमें देखो तो उसी से सवाल आ गया सीधा सीधा, मैंने एंथैल्पी पढ़ाया था ना, अब सब बेसिक टर्म से भी सवाल आता है, तो देखो ऑप्शन में एक सवाल तो मिल गया आज के। तो इसे क्या लिखेंगे, यू प्लस पी वी लिखते हैं, तो डी एच को हम क्या लिखते हैं, या डेल्टा एच को क्या लिखते हैं, डेल्टा एच को क्या लिखते हैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, डेल्टा पी वी को लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हम इन जनरल लिखते हैं, इन जनरल क्या लिखते हैं, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी पी इज जीरो, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या आ जाता है, एंथैल्पी किसके बराबर आती है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के बराबर आती, तो माइनस तो नहीं आ रहा यार, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत है। और क्योंकि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टीडी का मतलब थर्मोडायनेमिक्स, ये गिब्स एनर्जी की इक्वेशन है, ये भी पता होनी चाहिए, और ये एंट्रोपी हमेशा सिस्टम सराउंडिंग की ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होती है, ये तो तीनों सही है, और हमें मार्क करना था गलत वाला, तो हमने गलत मार्क किया। देखो आंसर निकालना जरूरी नहीं, आंसर तो हमें पहले मिल गया, लेकिन बाकी इक्वेशंस को पढ़ के जरूर चेक कर लो कि हम, क्योंकि तैयारी मोड में है इसलिए हम इन्हें भी चेक करेंगे जरूर, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन करने में तो मेरे को 20 क्वेश्चन करने में 20 मिनट लगेगा, फटाफट करके ख़त्म कर दूंगा, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा जब तक एनालिसिस नहीं होगी। इसीलिए सोल्यूशन देखने का कोई फ़ायदा नहीं है किताब में, सुनने का, वीडियो देखने का फ़ायदा क्या है कि मैं उसमें डिस्कस करता हूँ कि क्या कर रहा हूँ, ठीक। अब ये क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कार्बन सॉलिड की O2 से रिएक्शन कराई तो CO2 बनी और डेल्टा H इसकी दी है रिएक्शन की हमें -400, एनर्जी निकल रही है तो इसे H1 लिख लेते हैं, और जब CO बन रही है तो डेल्टा H2 की वैल्यू दे रखी है -100 किलो जूल। अब क्या कह रहा है, व्हेन कोल ऑफ प्योरिटी 60% इज अलाउड टू बर्न इन प्रेजेंस ऑफ इनसफिशियंट ऑक्सीजन, 60% ऑफ कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू CO एंड द रिमेनिंग इज कन्वर्टेड इनटू CO2, द हीट जनरेटेड व्हेन 0.6 kg ऑफ कोल इज बर्नड। तो पहले देख लो कि मोल्स ऑफ कोल कितने हैं, मोल्स ऑफ कोल कितने हैं, मोल्स है 0.6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 12, और क्योंकि प्योरिटी 60% है, प्योरिटी 60% है तो इसका 60% ही आया होगा भाई, सिंपल बात है, प्योरिटी 60% है तो इसका 60% आया, तो ये डेसिमल और ये सब कट गए, तो ये आ गया 360/12 यानी कि 30 मोल्स है। अब 30 मोल में से क्या कह रहा है कि 60% CO में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी कितनी, हीट जनरेटेड कितनी आ जाएगी, हीट जनरेटेड इज 30 मोल का 60% इज कन्वर्टेड इनटू CO, तो CO की वैल्यू कितनी है, CO की एनर्जी कितनी निकल रही, -100, ठीक ठीक है, CO से एनर्जी कितनी निकल रही, -100 या 100 निकल रही एनर्जी, ऐसा लिख लो, इंथैल्पी नहीं एनर्जी लिखनी, और बाकी 40% किस में कन्वर्ट हो गया, बाकी 40% कन्वर्ट हुआ किस में, बाकी 40% हुआ CO में, CO2 में कन्वर्ट, तो CO2 के लिए कितनी है 400, तो इन दोनों को सम कर दे तो आंसर आ जाना चाहिए, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो ये 6 × 3 = 1800 ये हो गया, प्लस 4 × 4 = 16 और 16 होती हैं 48, 4800, अरे यार हिंदी में मेरे को पहाड़े याद है ना, मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, ठीक, तो 6600 आ गया आंसर, सिंपल सा आंसर था, आसानी से लगा दिया, देखो सवाल को, सवाल को अगर ढंग से पढ़ लोगे तो लग जाएगा, मेंस के सवालों की यही खास बात है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा क्वेश्चन है, एक फ्रेम में मैच करना है, हम लोग बस देख लेते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, ये ऊपर कर लेते हैं, इसे थोड़ा दिखाई दे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी निगेटिव होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी निगेटिव होता है, तो ये बात सही हो गई। अब प्रोसेस इज कॉन्स्टेंट पी विद डेल्टा पी इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, आइसो कोरिक भी कर रहे हैं और आइसो बारिक भी कर रहे हैं, तो ये कैसा है, आइसोथर्मल भी है, आइसोथर्मल भी है और आइसो बारिक भी है, सॉरी कोरिक नहीं, आइसोथर्मल और आइसो बारिक है, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है, तो इसका आ गया 3। तो अब ऑप्शन देख लो, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 कितने ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में, तो अभी नहीं मार्क कर सकते हम लोग। अब देखो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कैसा होना चाहिए, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ये अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा, थर्मोकेमिस्ट्री है देख लो वही ज़्यादा आ रही, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कुछ ना मालूम हो तब भी ये आंसर आ जाएगा, तो 4 का 1 आएगा, तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, सिंपल सा सवाल था, कोई इसमें तकलीफ किसी को भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल आसान सवाल है इसमें, तो मतलब परेशान होने के लिए तो जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल क्या कर रहा है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180 प्रेशर द एंथैल्पी ऑफ कंबशन आर गिवन बिलो, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन बिलो है, तो हम इसे लिख लेते हैं क्योंकि हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो H2 गैस प्लस O2 हाफ O2 गैस गिव्स H2O, ठीक, और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है -286 किलो जूल पर मोल, ठीक। दूसरा दे रखा है कार्बन ग्रेफाइट की इक्वेशन, सी ग्रेफाइट प्लस O2, अब जब कंबशन का है तो हम हमेशा कंबशन प्रोडक्ट CO2 ही बनाते हैं ना, ध्यान रखना, डेल्टा एच ऑफ इसका कितना दे रखा है कंबशन का, -394 किलो जूल पर मोल, तसल्ली से सवाल लिख लोगे लग जाएगा, और हमें दे रखा है थर्ड क्या कि C2H6 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस CO2 प्लस थ्राइस
H2O। तो इसमें ऑक्सीजन कितने लगेंगे यार? अब ऑक्सीजन को देखने के लिए कितने गिन लो, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7/2 लिख दें, चल जाएगा। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब हमसे पूछ क्या रहा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन पूछ रहा है, तो फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे? 2C ग्रेफाइट। देखो अगर तुमने रिएक्शन लिखना सीख ली तो समझ लो काम हो गया, फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 2C ग्रेफाइट प्लस हाइड्रोजन कितने लग रहे हैं? 3। 3 हाइड्रोजन गैस गिव्स C2H6, हमें ये निकालनी है। तो हम इक्वेशन से निकालेंगे जैसे आप पिछली बार किया था। तो देखो हमें 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो ऊपर वाली इक्वेशन में क्या करें, मैं पहले लिख के दिखा देता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ग्रेफाइट 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसे ऐड कर दें और इसे -1 कर दें, ठीक। तो जब ऐड करोगे तो अपने आप O2 अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखें कि 3 × 1 प्लस 2 × 2 -3। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, जो हमें निकालना है वो कितना आ जाएगा, काउंट कर लो जरा, काउंट करना। तो ये आ जाएगा कितना, 3 × -286 प्लस 2 × -394। और इसके लिए हमने डेल्टा एच नहीं लिखा इसीलिए मेरे को दिख नहीं रहा है, तो डेल्टा एच इसका भी लिख देता हूँ। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कितना आ जाएगा? डेल्टा एच -1560 किलो जूल पर मोल है, तो ये भी लिख लिया हम लोगों ने, ठीक। तो इसे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस से क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस ऑफ -1560 आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना, इसे मल्टीप्लाई करना, 3 × 6 = 18 की 8, 3 × 8 = 24 और 1 = 25, ठीक। और 3 × 6 = 2 = 8, माइनस ये हो गया 2 × 8 = 18 और 7, ठीक। और प्लस 1560, इसे जब प्लस माइनस कर दोगे तो इसे -86 आ जाएगा इससे आंसर, ठीक। तो -86 को ये आंसर दे रखा है, दे रखा है, तो सी आंसर आ गया, सिंपल है। कैलकुलेशन तो यार करनी पड़ेगी, बड़ी गंदी कैलकुलेशन आ रही है आई मच से कि ये गंदी कैलकुलेशन है ना, बहुत आसान कैलकुलेशन नहीं है, बड़ी मेहनत लग रही है कैलकुलेशन करने में, मेरे को भी लग रही है और तुम्हें भी लगेगी, तो करना तो पड़ेगा ही। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ गैस मोलर मास 280 ग्राम्स वॉज बर्नड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर एंड ड्यूरिंग कम्बशन द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर रेज फ्रॉम 298.02 to 298.45 केल्विन। अब तो कितना गंदा नंबर ले लिया, 0.45 है ना। इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर इज 2.5 किलो जूल पर केल्विन एंड एंथैल्पी ऑफ कम्बशन इज 9 किलो जूल पर केल्विन पर मोल, देन द अमाउंट ऑफ गैस बर्नड इज, ठीक। तो डेल्टा कैलोरीमीटर का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो कैलोरीमीटर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डेल्टा एच। अगर देखो जिसने नहीं पढ़ा है ना उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मत पढ़ो, बाद में कर लेना। तो इसके लिए डेल्टा यू कितना लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं मोलर मास अपॉन गिवन मास इंटू CpC इंटू डेल्टा टी। तो मोलर मास है 280, गिवन मास हमें निकालना है, C की वैल्यू दी है 2.5 × 10⁻³, टेम्परेचर जो दिया है डेल्टा टी 0.45 दे रखा, और जो डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है क्योंकि कैलोरीमीटर हमेशा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर होता है, वो कितना होता है 9 × 10⁻³। तो W की वैल्यू निकाल लेते हैं, W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 280 × 2.5 × 10⁻³ × 0.45 / 9 × 10⁻³, ठीक। तो ये 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया, 9 से ये चला गया 0.5, और ये 0.5 280 इंटू आ गया 0.1 1.25, ठीक। 280 × 1.25 और एक डेसिमल हम लोग खा गए क्या, 2 डेसिमल पे आएगा और 0.05 आएगा, सॉरी ये तो 0.125 आ गया, ये 0.125 आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन करने का तरीका देखो, एक डेसिमल से एक हटा दो तो 1.25, 28 का 1.25 कितना होता है, 35, तो ये 35 ग्राम आ गया सीधा आंसर। अब 28 का टेबल तो मैं याद होने के लिए, 28/4 कितना हो जाएगा, 28/4 कितना करेंगे, 28/4 कितना करेंगे, 7 ऐड कर देंगे, इसमें काम खत्म, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला सवाल देखते हैं, देखो सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं आते मेंस में, बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है कि तुम अपने को कूल काम कंपोस्ट कैसे रखते हो पेपर में, यही पेपर है केवल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज दिस, ठीक। मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हमें CP की वैल्यू दे रखी है 20.785 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक। इंटरनल एनर्जी चेंज हमें डेल्टा यू दे रखा है कितना, 500
5000 जूल, डेल्टा टी हमें दे रखा है कितना 200 केल्विन। तो नंबर ऑफ मोल्स एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम निकालने, तो ये तो क्या हो गया, हमें सी पी दे रखा है, तो सी पी माइनस सी वी किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। तो सी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी पी माइनस आर, तो सी पी हो गया 20.785 माइनस आर की वैल्यू हो गई 8.314। तो जब माइनस कर दिया तो करना जरा यार, 4 और 1 7 और 4 और 12 12 7.471 आ गया। अब हमें डेल्टा यू इज इक्वल टू पता है क्या होता है, एन सी पी डेल्टा, एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। यू की वैल्यू कितनी दी है 5000, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सी वी की वैल्यू हो गई 12.471 इंटू टी हो गया 200। ठीक, तो एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो ये 2.0 समथिंग आएगी, तो इसे हम 2 ही लिख देंगे। ठीक, तो नियरेस्ट इंटीजर में लिखनी थी इसलिए 2 लिख दी। करोगे सीधे सीधे निकल आएगा। देखो सिंपल मैं तुम्हें बताऊँ कैलकुलेशन कैसे करी मैंने, 2 point something को लिखा कि ये लिखोगे तो ये 25 है, और 12 से ये 12.5 से कम है, वो 25 से ज़्यादा है, थोड़ा 25 है, तो 2 point something आएगा, 0 something, तो 2 ही लिख देते हैं, काम बिल्कुल सही आसानी से चलेगा। अप्रोक्सीमेशन बहुत दिमाग लगा के करना है, जब इंटीजर राउंड ऑफ करने हो तभी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2.2 ग्राम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड लॉफिंग गैस है ये। ठीक है, गैस इज कूल्ड टू ए कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm फ्रॉम 310 केल्विन टू 270 केल्विन, कॉजिंग द कंप्रेशन ऑफ गैस फ्रॉम 217.1 ml टू 167.75 ml। ठीक, तो हमें ये हमें दे रखा है क्या कि जो कूलिंग हो रही है वो कितनी हो रही है, वो इतनी हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है गैस को कंप्रेस करने से। ठीक, कह रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस डेल्टा यू। ठीक है, एटॉमिक मास वगैरह हमें सब दे रखा है। ठीक, तो हमें पता है टेम्परेचर कितना, डेल्टा टी कितना आ रहा है, डेल्टा टी आ रहा है कितना 40, और नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने हो, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, हमें वैल्यू दे रखी है कितनी नाइट्रस ऑक्साइड के लिए, मास डब्ल्यू हमें दे रखा है 2.2 ग्राम्स, हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी होता है। ठीक, और हीट कैपेसिटी भी हमें गिवन है, देखो ध्यान से, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 2.2, और नाइट्रस ऑक्साइड का मास N2O का मोलर मास कितना आ गया, मोलर मास आ गया 14 × 2 = 2816, कितना बढ़िया नंबर आया 44, इंटू सी वी की वैल्यू हमें दे रखी है 100, इंटू डेल्टा टी हो गया 40। ठीक, तो डेल्टा यू की वैल्यू आ गई कितनी, डेल्टा यू की वैल्यू आ गई कितनी, डेल्टा यू की वैल्यू हमने किस में दिया, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे दिया, ओ सॉरी, हमें ये कॉन्स्टेंट प्रेशर पे दे रखा है, तो बेसिकली जो हमें दे रखा है वो डेल्टा एच दे रखा है। अरे यार ये तो छोटी सी गलती हो जाती है, आंसर अभी हम गलत लिख देते हैं। तो ये क्या दे रखा है, डेल्टा एच की वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास, इसे हटाया, जीरो बढ़ाया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 times हो गया, ये 20 हो गया, तो 200 आ गया, 200 आ गया हमारे पास क्या, डेल्टा एच। ठीक, अब डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। ठीक, तो अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो इसे पी डेल्टा भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, ये 200 दिया था हमें, पी की वैल्यू 1 है, डेल्टा भी हमें कहाँ से कहाँ जा रहा है, 167 पहुँच रहा है, कितना 167.75 जा रहा है, माइनस कितने से 217 से, 217.1 से। ठीक, इंटू 10^-3, अब हमें जूल्स में करना है तो इंटू हमने 101.3 और कर दिया, क्योंकि हमें ये जूल्स में करना है, ये नंबर क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें ये जूल्स में ले जाना है, इसलिए हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई किया, ये बात ध्यान रखनी है ना, क्योंकि हमने इसे किस में करना है, जूल्स में कन्वर्ट करना है। अब इस सबको सॉल्व कर दो, डेल्टा यू निकालना हमें, सॉरी डेल्टा यू हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमें 200 दी है, तो डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी, अब हमें क्या करा है कि कॉन्स्टेंट प्रेशर पे क्या कर रहा है, इन द वैल्यू ऑफ, इतने कूल्ड किया है तो माइनस आएगी, ठीक माइनस 200 आएगी। अब माइनस 200 माइनस ऑफ इस नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, ये नंबर प्लस करना पड़ेगा, इधर जाके माइनस होगा तो माइनस ऑफ माइनस करना पड़ेगा, माइनस ऑफ माइनस कर देते हैं, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 4.99 आ रहा है ये। ठीक है, सब मल्टीप्लाई कर लिया, कैलकुलेशन बड़ी सी है, तो डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस 200 प्लस 5 लिख दें तो इसे 195 लिखा जा सकता है। देखो भाई कैलकुलेशन तो यार करनी पड़ेगी, कोई और रास्ता है नहीं हमारे पास में।
तो 195 इसका आंसर है। बहुत गंदी कैलकुलेशन है। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो लॉग वॉग भी लेना पड़ रहा है, अजीब ही सी दे रहा है। मैं इस बारे बिल्कुल बुद्धि नहीं लगा रहा सवाल बनाते समय कि क्या कर रहे हैं। अब कह रहा है 17 ग्राम ऑफ अमोनिया कम्प्लीटली वेपराइजेज एट -33.42 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर, द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस प्रोसेस इज 23.4। तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच की वैल्यू हमें दे रखी 23.4 किलो जूल पर मोल। ठीक, अब ये एक मोल के लिए दी है यानी 17 ग्राम के लिए, तो फॉर 85 ग्राम कितनी होगी? फॉर 85 ग्राम्स विल बी इक्वल्स टू 5 मोल्स। तो ये डेल्टा एच कितनी आ जाएगी? 5 इंटू 23.4 यानी कि 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 15 और 2 = 17 और ये 10 × 11, तो इससे 117 आ गया। सीधा सवाल था, बिल्कुल एक चवन्नी भर का सवाल, इसे तो पूरा ही सही करना चाहिए। ठीक, हम लोग सही पेज पे लगा रहे हैं। कभी अगर कमेंट करके ये भी बताना कि कहीं मैं जल्दी तो नहीं सॉल्व कर देता ज़्यादा, मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है यार ये मैं जानता हूँ। ठीक है, तो अगर जल्दी लग रहा हो तो कमेंट करना, मैं थोड़ा स्लो डाउन और कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है? फॉर द कम्बशन ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इन एन ओपन कंटेनर एट 300 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, डेल्टा एच सी हमें दे रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कह रहा है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस हाफ ओ टू गैस गिव्स यू MgO सॉलिड। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT, और डेल्टा NG की वैल्यू हमें पता है माइनस हाफ है, तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -601. इंटू 10^3 इज इक्वल टू डेल्टा यू -1/2। आर की वैल्यू दी है 8.3 और टी की वैल्यू दी है कितना चेंज हो रहा है? टी दिया है टेम्परेचर 300। ठीक, तो ये अगर हम सॉल्व कर दें इसे तो ये यहाँ पे 150 आ जाएगा। तो डेल्टा यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसे तो ये आ जाएगा, डेल्टा यू जो आ जाएगा वो कितना आएगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, लिख देते हैं एक लाइन और लिख देते हैं फिर सॉल्व करते हैं, पूरा ही कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। तो मैं वैसे तो डायरेक्ट आंसर लिखना ही भला का काम है लेकिन मैं लिख देता हूँ, माइनस इसे सॉल्व करोगे तो 15 × 45, 15 × 120 और 145, 120 और 4 × 24, ठीक, तो 1452 आ जाएगा। तो डेल्टा यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसे अगर हम डेसिमल लगा दें तो इसे लिख दें -601.70 इंटू 10^3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.245 इंटू 10^3, तो इसे माइनस कर दें तो आ जाएगा 600.455 आ जाएगा। तो डेल्टा यू इतना आ गया, ठीक, इंटू 10^3 आएगा तो जूल्स में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा, 600 किलो जूल्स आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या लिखेंगे, नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है, ऐसे 600 जूल्स किलो जूल्स लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल रद्दी सवाल है लेकिन बस कैलकुलेशन है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम अंटिल द टोटल वॉल्यूम इज 20, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द एक्सपेंशन। तो पी एक्सटर्नल कितना है? 0। डेल्टा टी कितना है? 0। तो हीट एब्जॉर्ब डेल्टा क्यू भी क्या जाएगा? 0, क्योंकि डेल्टा यू भी 0 और डब्ल्यू भी 0, तो डेल्टा क्यू भी क्या जाएगा? 0। तो आंसर इसका तो 0 ही आ गया, तो और ही सरल सवाल था। ठीक, ये सवाल बढ़िया था, मैं इसे रादर बाकी कैलकुलेशन वाले सवालों से इसे बेहतर कहूँगा, लेकिन तुम्हें यार मजबूरी है लगाने तो ही हम लोगों को, है ना, हमारी भी मजबूरी और तुम्हारी भी मजबूरी है। अब क्या कह रहा है? व्हेन फाइव मोल्स ऑफ गैस एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 300 केल्विन फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वर्क ऑब्टेंड इज। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है आइसोथर्मल के लिए? -2.303 NRT log of V2/V1। ठीक, सबकी वैल्यू पता हमें, तो 2.3 केवल मल्टीप्लाई करने के नंबर हैं, 8.3 इंटू 300 इंटू लॉग ऑफ 20/10, तो ये 2 हो गया, तो -2.303 इंटू 5 इंटू 8.3 इंटू 300 इंटू 0.3010। इस सब का यार अब मल्टीप्लाई कर लेना भैया, बड़ा मुश्किल काम है मल्टीप्लाई करना, तो 8630.337 आ जाएगा। ठीक, और हमें जूल्स में लिखना आंसर, तो ये आ जाएगा 8630।
ठीक, इट्स मैक्सिमम वर्क कह रहा है इसलिए हमने कैसा माना, प्रोसेस रिवर्सिबल माना। जब मैक्सिमम वर्क कहेगा तो हमें कैसा मानना है, रिवर्सिबल, क्योंकि इररिवर्सिबल में वर्क कम होता है, रिवर्सिबल में ज़्यादा होता है। अगला सवाल कह रहा है 40% ऑफ HI अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू H2 एंड I2 एट 300 केल्विन, डेल्टा जी फॉर दिस रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एट 1 एटमोसफियर प्रेशर ATM इज, हमें बतानी है तो डेल्टा जी निकालना। बेसिकली ये केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पे आ गया है तो इसे यहीं पे निपटा देते हैं। क्या बन जाएगा, हाफ H2 बनेगा प्लस हाफ I2 बन जाएगा। ठीक, तो हमने T इक्वल टू जीरो पे इसका 1 मोल मान लिया है, 0 0 हो गया। T इक्वल टू T पे ये 1 माइनस अल्फा हुआ तो ये अल्फा बाई 2 हो गया और ये भी अल्फा बाई 2 हो गया। ठीक है, तो KP की वैल्यू किसके बराबर हो गई, KP की वैल्यू हो गई अल्फा बाई 2 इंटू अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। तो ये हो गई किसके बराबर, अल्फा बाई 2 का इसकी पावर 1/2 हो गई, सॉरी इसकी पावर 1/2 हो गई। तो ये हो गया अल्फा बाई 2 इंटू 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमें दी है कितना, 40%, तो 0.4 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 0.4, तो ये आ गया 0.2 डिवाइडेड बाई 0.6 यानी कि 1/3। ठीक, 1/3 आ गया। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, डेल्टा जी होता है माइनस RTLN KP, तो माइनस आर्ट की वैल्यू है 8.314, टी की वैल्यू 300, देखो 8.314 ही दी है, हाँ 31 दी है, 4 नहीं दी, नहीं तो कैलकुलेशन गलत आ जाएगी। ठीक, टी की वैल्यू 300 दी है, बिल्कुल ठीक, 300 हो गई, LN 1/3। इसे सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आ जाएगा 2735.07, यानी इसका आंसर लिख देंगे 2735 जूल्स। कैलकुलेशन है भैया फिर से मल्टीप्लाई, LN3 की वैल्यू उठा के रख देना 2.303 इंटू 0.477। ठीक है, सबकी वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, गेम ओवर हो जाएगा बिल्कुल। अब ये मत पूछना कि यार सर मैं कैलकुलेटर तो अलाउड होगा नहीं, इतनी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे कैसे, तो 10 में से 5 ही करने होते हैं, ध्यान से करोगे तो 5 मिल जाएंगे तुम्हें करने के लिए। ठीक है, फिजिकल के क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करो, लेकिन इसे लगाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी ही आएगी। अगला क्या कर रहा है, अ फिश स्विमिंग इन वाटर बॉडी व्हेन टेकन आउट फ्रॉम द वाटर बॉडी इज कवर्ड विद अ फिल्म ऑफ वाटर ऑफ वेट 36 ग्राम्स व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू कुकिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन इज। ठीक है, तो क्या दे रखा हमें कि मछली हमें पकानी है, है ना, मछली पकानी कितने, और उस पर 36 ग्राम है वो पानी आ गया, उसी पानी को गर्म करके मछली पका रहा है। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक, और वाटर लिक्विड से गैस बन रहा तो 2 मोल्स बन रहे होंगे, वाटर लिक्विड से गैस बन रहा तो कितने बन रहा है, पर मोल पूछी गई, अच्छा एनर्जी पर मोल पूछी गई है तो 1 मोल ही वाटर लेंगे। और डेल्टा एच की वैल्यू हमें गिवेन है कितनी, 41.1 इंटू 10^3, और हमें डेल्टा यू पूछा गया, एन जी की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 8.31 है, और टी की वैल्यू है हमारे पास कितनी, टी की वैल्यू 373। ठीक, तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, 41100, ठीक, माइनस किसके बराबर आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3099.63, तो ये आ जाएगा 3800.37, और इससे आंसर आ जाएगा 38.00 किलो जूल्स। तो इसमें आंसर 38 रखेंगे, अगर तुमने 2 रख दिया यहाँ पे, 36 मान के अगर 2 रख दिया तो आंसर गलत आ जाएगा, 35 आ जाएगा आंसर तुम्हारा। ठीक है ना, ध्यान रखना 35 आ जाएगा तुरंत, 1 मिनट लगेगा और वो गलत आंसर होगा क्योंकि पर मोल पूछी है, वाटर के 2 मोल्स बन रहे थे उसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, 600 ml ऑफ 0.2 मोलर NO3 इज मिक्स्ड विद 400 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन फ्लास्क द राइज एंड टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क इज। तो एनर्जी कितनी निकलती है, 57 इंटू 10^3 इंटू पर मोल निकलती है, और मोल कितने खर्च हुए हमारे, 4 × 10^-3 40 × 10^-3, क्योंकि मिली मोल्स निकाल लिए, मिली मोल्स कितने आ गए, 400 × 0.1, क्योंकि NaOH के मिली मोल्स जितने थे उतने ही न्यूट्रलाइज हुए होंगे, और ये हो गया 4.2 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हमें निकालना है, डेल्टा टी विल भी हो गया 57 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 4.2,
ठीक, और हमें ये किलो जूल में दिया और ये जूल में दिया है, ठीक है, इसे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। तो ये कितना आ गया, 57 दिया हुआ है, 57 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसे 10^3 की जगह इसे ऐसे रखेंगे, अरे यार क्या कर रहा हूँ, इसे 57 दिया हुआ, अच्छा जी, ठीक। तो डेल्टा टी यहाँ से निकल आएगा, ओहो पर मोल दे रखी और हमने मिली मोल्स दिए, तो किलो जूल्स में ही निकाल देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 5.7, ये आ जाएगा 40 × 10⁻³। तो ये आ जाएगा 5.7, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक ऊपर जीरो आएगा वो भी गया, 5.7 × 4/42 आ जाएगा ये। तो इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 54.28 × 10⁻²⁺ डिग्री सेंटीग्रेड, सीधे निकाल देते तो ये कितना आ जाएगा, 54 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा आंसर, × 10⁻²⁺, ठीक है। तो ये 54 आ गया, ठीक है, पर मोल दे रहा होगा, तो हमने मिली मोल्स में निकाला इसलिए हमने मोल्स में से कन्वर्ट कर लिया, ठीक। सिंपल सवाल था, आसानी से हो जाना चाहिए, मेरे से यार कुछ सॉल्व करते समय एरर हो रही, वो इग्नोर कर देना, खांसी बहुत आ रही। कह रहा अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स कौन से चाहिए हमें, स्टेट वेरिएबल चाहिए, स्टेट वेरिएबल कौन कौन से, इंटरनल एनर्जी और कौन है, वॉल्यूम और कौन है, एंथैल्पी। तो ये क्या है, तीन आ गया इसका आंसर, तीन स्टेट फंक्शन है, हीट तो पाथ फंक्शन होती है, मैंने लास्ट वीडियो में ही बता रखा है इसे, ठीक। अगला क्वेश्चन भी देखो, सारे क्वेश्चन थर्मो केमिस्ट्री के, थर्मोडायनेमिक्स बहुत कठिन क्वेश्चन, एडवांस में आता, मेंस में नहीं आता। अगली रिएक्शन क्या करें, H2+H2F2 गैस गिव्स H2+F2। डेल्टा यू इस रिएक्शन का दे रखा है 27 डिग्री, एंथैल्पी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन इज, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू निकालना है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 है, ठीक, डेल्टा यू की वैल्यू -1 है, तो 59.6 × 10⁻³ -1 × r की वैल्यू 8.314 × 300, ठीक। तो इसे ज़रा सॉल्व कर दो भाई, तो ये कितना हो गया, 59600, और इसे हमने लिख दिया तो ये आ जाएगा 2494.2, इसे ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 50, ये ऐड होगा, ये डेल्टा एन जी डेल्टा यू इतना दे रखा है, और डेल्टा एन जी की वैल्यू प्लस वन है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 57105.8, तो यानी कि ये आ गया कितना किलो जूल्स में, 57.105 किलो जूल्स, यानी कि 57 आंसर लिख दिया इसका, ठीक। माइनस ही का आएगा आंसर, तो यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ, तो 57 लिखना आंसर बस, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 2.4 ग्राम ऑफ कोल इज बर्न्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन एंड 180 प्रेशर, द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर राइजेस फ्रॉम 298 टू 300 केल्विन, द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ द कोल इज दिस, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, द हीट ऑफ हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर की हमें दे रखी है, ठीक। तो एंथैल्पी चेंज निकालना है कंबशन के लिए, तो डेल्टा यू की वैल्यू निकाल देंगे, कितना डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोल के लिए वेट मोलर मास अपॉन गिवन मास इंटू सी इंटू डेल्टा टी, तो मोलर मास हो गया 12 कोल का और गिवन मास है 2.4 ग्राम, सी की वैल्यू है 20 और इसकी वैल्यू है 2, तो ये डेसिमल हटाया, एक जीरो ऊपर पड़ा, ये हो गया 5, तो ये हो गया सीधे 200 जूल, और क्योंकि हीट रिलीज हो रही कंबशन प्रोसेस तो नेगेटिव आएगा, तो 200 रख देते हैं आंसर, ठीक। सिंपल था, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल फिर से एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का आ गया, देखो क्या कह रहा है, ये तो पढ़ के सवाल हो जाएगा ऐसा, देखो, व्हाइल परफॉर्मिंग ए थर्मोडायनेमिक एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, डेल्टा मतलब HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O, इसके लिए तो स्टैंडर्ड होती 57.3 और एसिटिक एसिड के लिए इतनी कम निकली। अब कह रहा है एंथैल्पी, ये एंट्रोपी नहीं एंथैल्पी होगा, ठीक है, ये एंथैल्पी है यार, मिसप्रिंट है ये, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन पूछ रहा है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड कैलकुलेटेड बाय द स्टूडेंट इज, तो एंथैल्पी इसे सही कर देते हैं, काट के लिख देते हैं, मैं उसमें भी सही कर लेना यार, थ्योरी वाले में भी, इसमें एंट्रोपी नहीं है एंथैल्पी है, मेरे से गलती हो गई लिखने में शायद, देखो यार खुद करता हूँ इतना तो इग्नोर कर ही सकते हो ना। तो डेल्टा एच आयनाइजेशन की वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल्टा एच आयनाइजेशन हो जाएगा किसके बराबर, कितनी हीट रिलीज हुई, माइनस ऑफ माइनस कितनी निकलनी चाहिए थी, तो बाकी कहाँ गई एनर्जी, 2 किलो जूल एनर्जी कहाँ खर्च हो गई,
2 किलो जूल एनर्जी खर्च हो गई डिसोसिएशन करने में, वो एंट्रोपी की जगह एंथैल्पी, उसे करेक्शन कर लेना प्लीज, है ना, माय बैड। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ प्रोपेन ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट दिस आर गिवन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन पूछ रहा है। एंट्रोपी के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, तो प्रोपेन के लिए क्या रखेंगे, C3H8 प्लस 10O2 गैस गिव्स 3CO2 प्लस 4H2O। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है -2220 किलो जूल पर मोल। ठीक, दूसरी इक्वेशन क्या है, सी ग्रेफाइट प्लस O2 गैस CO2 गैस, इसके लिए डेल्टा एच हमें गिवन है -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक, एंड थर्ड इज हाइड्रोजन के लिए हमें दे रखी है डाइहाइड्रोजन के लिए, डाइहाइड्रोजन गैस होती है प्लस O2 गिव्स H2O लिक्विड, इसके लिए डेल्टा एच हमें गिवन है -285.8 किलो जूल पर मोल। ठीक, हमें निकालना क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन निकालना, तो 3C गैस प्लस 4H2 गैस गिव्स C3H8 गैस। तो क्या करो, C3H8 लेफ्ट में चाहिए, तो ऊपर वाली इक्वेशन को क्या कर दो, -1 कर दो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सिंपल लिख दें, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इसका कितना आ जाएगा, 3 into 2 प्लस 4 into 3 -1। ठीक, तो इसकी वैल्यू रख लो, 3 into 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3933 माइनस का 0.5 प्लस 4 into -285.8 माइनस ऑफ माइनस कितना दे रखा है, 2220। ठीक, अब इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 103.7 किलो जूल माइनस साइन के साथ, तो ये आ जाएगा -104 किलो जूल, नियरेस्ट इंटीजर में करेंगे तो आंसर इसका क्या लिख देंगे, 104 लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर कंप्लीट कम्बशन ऑफ मेथेनॉल, ठीक, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाई बॉम कैलोरीमीटर इज दिस द एंथैल्पी ऑफ कम्बशन फॉर द रिएक्शन। अरे यार फिर से वही सवाल आ गया, बिल्कुल बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है 726 × 10⁻³, एन जी की वैल्यू दे रखी है कितनी, एन जी की वैल्यू हो गई 1 - 3/2, तो -2 -1/2, आर की वैल्यू दे रखी 8.3 और टी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 300। ठीक, तो ये हो गया 726000 -1245, ये नंबर तो अभी ऊपर हमने सॉल्व किया ही था, तो 726000 -1245 करोगे तो इससे आ जाएगा कितना, अब इससे हीट रिलीज हो रही होगी बॉम्ब कैलोरीमीटर में, तो ये भी निगेटिव ही आएगी ना, तो ये निगेटिव निगेटिव दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 727245। ठीक, तो ये आ जाएगा -727.24 किलो जूल, तो यानी आंसर लिखेंगे -727। ठीक, 727, ये डेल्टा एनजी निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज दिस। ठीक, द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द रिएक्शन अटेन्स एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम पहली बार डिगिव एनर्जी क्वेश्चन आया, तो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, तो ये हो गया 165 × 10³ डिवाइडेड बाई 550। ठीक, बस इसे सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा, इससे एक जीरो गया, दो बचा और ये 3 बार चला गया, तो ये 300 आ गया आंसर। ठीक, तो इससे सीधे आंसर आ गया 300 केल्विन, सीधे आंसर आ गया, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या कर रहा है,
2O3 gives 3O2. At 300 Kelvin, ozone is 50% dissociated. The standard free energy change at this temperature at 1 atm. फिर से वही क्वेश्चन है, 2O3 gives thrice O2. T equals to 0 पे इसका 1 ले लिया, ये 0 ले लिया. T equals to T पे ये क्या हो गया, 1 minus alpha. तो ये हो गया 3 alpha by 2. ठीक, तो total number of moles at equilibrium कितने आ गए, total number of moles. देखो अगर अभी केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं आता तो ये सवाल नहीं बनेगा, उसमें दिक्कत आएगी. केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद ये सवाल भी बन जाएंगे आसानी से. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा बाई 2, यानी कि आ गए 1 प्लस अल्फा बाई 2. और अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5, तो ये 1 प्लस 0.5 बाई 2 आ गया, यानी कि 1.25 आ गया नंबर ऑफ मोल्स. तो केपी हमें निकालना होता है, केपी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 3 अल्फा बाई 2 अपॉन 1.25 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1.25 का होल स्क्वायर. और प्रेशर कितना है, प्रेशर 1 atm है तो कोई लोड ही नहीं है. तो के पी की वैल्यू आ गई 3 का क्यूब इंटू पॉइंट फाइव का क्यूब डिवाइडेड बाय 8 इंटू, ये नीचे आ जाएगा 1.5 इंटू पॉइंट फाइव. ठीक, और 1.25 एक और बचेगा, कैलकुलेशन कर रहा हूँ. ठीक, तो 0.5 का होल स्क्वायर से कट गया तो ये 0.5 बचा, और 0.5 से इसे कैंसिल कर दिया तो ये आ गया कितना, 0.25. ठीक, तो ये आ गया 27 बाय कितना आ गया, 27 बाय 0.25 इसे कर देंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 20 बचेगा. ठीक, 8 25 28 200 होगा, और ये 2.5 बचेगा, सॉरी ये 2.5 बचेगा, तो 27/20 आ गया, यानी कि 1.35 आ गया. ठीक, के पी की वैल्यू आ गई. अब के पी की वैल्यू आ गई तो डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस आर टी एल एन के पी. तो माइनस आर टी हो गया माइनस 8.3 इंटू 300 इंटू एल एन के पी की वैल्यू हमें दे रखी है, एल एन लॉग टू द बेस ई 1.35 की वैल्यू हमें दे रखी है, ऊपर क्वेश्चन में दे रखी है, शायद देखो है ना, 0.3 दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 0.35 दे रखी है. तो इसे वैल्यू को रख दो 0.35, तो माइनस 8.3 इंटू 300 इंटू 0.3. तो इसे सॉल्व कर दोगे तो इसे आ जाएगा 747 जूल्स पर मोल माइनस का, तो आंसर क्या लिख देंगे, 747 लिख देंगे, और ख़त्म हो जाएगा सवाल यहाँ पे. तो ये डिस्कशन यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, पूरा डिस्कशन हो गया. थोड़ा सा यार कैलकुलेशन थी ज़्यादा, तो ऊपर नीचे हो रहा था थोड़ा, लेकिन उसे तो बियर किया जा सकता है. सवाल डिस्कस होना चाहिए प्रॉपरली, वो किया कैलकुलेशन फट को गोली मार दो, वो तो हो ही जाएगी कैलकुलेशन, तुम पढ़े लिखे लोगों है ना. कमेंट करके बताना कैलकुलेशन में कितनी समस्या आती, कैलकुलेशन समस्या आती तो यार और रिग्रेसली लगाओ सवाल, क्योंकि जैसा सवालों का नेचर आ रहा है कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेन से हम लोग भाग भी नहीं सकते. ठीक है, चलो मिलते हैं हम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. ध्यान रखना अपना, अगला लेक्चर आने वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसके बाद आएगा सॉलिड स्टेट, और फिर आएगा अपना केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर रेडॉक्स, इस तरह से चलते जाएंगे हम लोग. ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, और लोगों तक पहुंचाते रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. ठीक है, बाय, ध्यान रखना यार, है ना, बाय.